कम से कम जी 37 साल हो गए मुझे काम करते हुए फिल्म टीवी स्टेज, और मैंने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया, और जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं सुल्तान से लेकर मैडम अंजुमन जी, मैडम सैमा जी, और अदीब साहब, अमर कुरैशी साहब, रैम्बो जी, शान जी, अल्लाह ताला सबको सलाम रखे, हमारे पाकिस्तानी शान खान है, तमाम बड़े स्टारों के साथ मैंने काम किया, और 37 साल हो गए काम करते हुए, 4 सीरियल किए हैं, और जियो से, पी टी वी से, 30 साल से मुझे पी टी वी करते हो गए, और मैंने बेइंतहा काम किया, और 37 साल हो गए, और हमारे बड़े बड़े वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हमें बुलाया करते, और हमारी टीवी आई थी, और हमें इनामात से नवाजा गया, और हमें बुलाया, हमने सुना, उन्होंने सुना, और उनके बच्चों ने हमें सुना। बात यह है कि हमें भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजना चाहिए कि हम लोग पूरा वर्ल्ड घूमे हुए हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और जहाँ भी जाते हैं हम उनका पैगाम देने जाते हैं। तो आजकल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, नवाजा जा रहा है, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किनको नवाजा जा रहा है। जिनको नवाजना चाहिए वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं नवाजना चाहिए उनको मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि हकदार तो हम लोग हैं, जिन्हें बड़े बड़े अपने लोग बुलवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हुकूमतें बड़े लेवल पर, बड़ी बड़ी हुकूमतें हमें बुलवाती हैं, और हम लोग जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके बच्चे सुनते हैं, और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और हम जब बाहर के मुल्क जाते हैं तो अमर का पैगाम ले भी जाते हैं। फनकार एक सफ़ीर होता है, और ये जो सफ़ीर होता है ये हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इन फनकारों को बड़ा इनका ध्यान रखें, इनको इनका ख्याल रखें, हर तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सरमाया है फनकार एक पाकिस्तान का, कि ये अपने मुल्क का नाम बुलंदियों पर लेके जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अमन का पैगाम लेके जाते हैं। तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि अब देखें, ये मैं ये डिजाइनिंग का काम जानता हूँ, ये मुकम्मल मैं यानी ये मेरे मुकम्मल हाथ का ये बना हुआ है, ये एक पेरिस से बाहर के मुल्क से ये एक जोड़ी आई थी, और ये मैंने मेरे भाई बड़े काबिल इत्राम उस्मान पीरज़ादा साहब, ये सद्दाम पीरज़ादा साहब को मैंने इस डिज़ाइन की दो जोड़ियाँ बना कर दी हैं, ये वो पेरिस से लेकर आए थे, वो मैंने बना दी ये, और ये यहाँ पर गई, ये मैंने खुद ये भी मैंने बनाई है, ये बिल्कुल चमड़े की है, इसका पतावा चमड़े का, मकम्मल मैं इसका काम जानता हूँ, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, बना तो ली, एक एक दो दो जो दो चार चार जोड़ी बना ली मैंने, 2.5-3 लाख रुपये पकड़ के 200 से बहन भाइयों के रिश्तेदारों से, ये दुकान तो डाल लिया, माल के लिए भी पैसे दिए। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये हमें गवर्नमेंट सरमाया दे, हमें एक लोन की शक्ल में दें कि मैं कोई एक छोटी सी फैक्ट्री लगाऊँ। अब मेरे पास पैसे नहीं, सरमाया नहीं, अब मैं इसका डिज़ाइनर हूँ, अपर मैन भी हूँ, फिनिश मैन भी हूँ, बॉटम मैन भी हूँ, यानी कंप्लीट मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ, 40 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। आप देखें 40 साल, ये मेरे खुद आपकी डिज़ाइनिंग है, मैंने ये खुद बनाया चमड़े का, पतावा बकायदा इसका चमड़े का, हर चीज़ है, मगर क्या मजबूरी है, ये देखें, ये पूरा लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ये चमड़ा नहीं लगाते जिसका अपर बना होता है, बहुत कम लगाते, वो रैक्सिन का लगाते। तो बात यह है कि ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हो, मैंने मकम्मल यानी नकीने से लेकर मकम्मल ये जोड़ी बनाकर रखी हुई, ये वाली जो ऑर्डर देता मुझे। तो बात मैं ये करना चाहता था हुकूमत से, प्लीज़ मुझे इतने पैसे दिया, मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर पे, अब मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं यानी मैं जब कंप्यूटर खोलता हूँ ना तो वो लिखते हैं कि उसमें आ जाता है कि 40 साल तक आपको पैसे मिल सकते हैं, 40 साल के बाद जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पैसे नहीं मिलते, यानी 40 साल तक कंप्यूटर वो कबूल कर रहा है कि हम कर्ज देंगे, मगर 40 साल के बाद वो जवाब देता है कि ये भी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा, मेरी उम्र 56 है, अब मेरी 56 उम्र है, मैं पैसे मैं गवर्नमेंट वो मुझे पैसे नहीं दे सकते। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा ये कि मेरे पास ये फ़न है मगर सरमाया नहीं, तो सरमाए के लिए मुझे बहुत पैसे, लाखों रुपए चाहिए। देखो मैं अकेला कमाने का वाला हूँ, मेरी सिर्फ एक बेटी है छोटी, वो पढ़ रही है, और भाई अब 3 फर्द हैं घर के, और मैं 37 साल से फिल्म टीवी स्टेज कर रहा हूँ,
पहले तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे तमाम वो काम किए कि मैं भी हकदार हूँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, तो बात के तो बने। और सबसे बड़े मुझे इसके लिए सरमाया भी चाहिए कि मैं अपने करके खुद कमा सकूँ, किसी के आगे ऐसा ना कर सकूँ, मैं ऐसे करूँ। तो ऐसे करने के लिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, तो ये मुझे इसके लिए मुझे सरमाया दे कि मैं एक छोटी सी निजी या एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दूँ। बात करना चाहता था कि आर्टिस्ट एक ना बड़ा नफीस होता है, कई आर्टिस्ट होते हैं कि वो ना सिर्फ एज ए आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म कर लिए, टीवी कर लिए, स्टेज कर लिया, मगर मैं ज़रा एक बड़ा खुदार एक आर्टिस्ट हूँ, बड़ा एक ना मेहनत वाला। मैंने इस काम को भी जारी रखा, मैं ये भी साथ साथ करता रहा 40 सालों के ये करते हुए, और फिल्म टीवी स्टेज करते हुए 37 सालों के मैंने साथ साथ इसे भी रखा, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने डबल मेहनत की है कि मैंने नीचे नहीं छोड़ा। वैसे ही मैंने पहले किया और करने के बाद जब शो आ गए, टीवी आ गए, फिल्म आ गई, फिर उसके साथ वो भी काम किया। तो ये बहुत मुश्किल आर्टिस्ट इसको अपने कहते हैं कि एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं, मगर मैंने टाइम दिया। ये 3 साल हो गए मैं ये जो मुसीबत में फंसा हूँ, एक तो कोरोना ने मुझे 12-14 महीने हो गए कोरोना ने फंसाया बस, और वो पूरी दुनिया में इसमें पूरे वर्ल्ड में इसमें परेशानी है। और उससे पहले मैं 15 महीने पहले यानी 3 साल हो गए मुझे ये थोड़ी सी मुसीबतों में आया, उससे पहले अलहम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही था और अलहम्दुलिल्लाह ऐसे ही किया है। और सारी दुनिया मुझे अच्छी तरह जानती है फिल्म टीवी से के हवाले से और ये जूती के हवाले से। मेरा चुनू मुन्नू बेबी शो था और पैरट के नाम से भी था, और इसलिए कि मैंने इसको बड़ा टाइम दिया और आज तक मैं इसे टाइम दे रहा हूँ। जब फिर मैंने दुकान डाली कि क्यों ना काम किया जाए, मगर जितने मीडिया यहाँ पर आता है तमाम बड़े से बड़ा चैनल मेरे पास इस शॉप पे आया, और फिल्म स्टार खालिद बट साहब हमारे फेमस आर्टिस्ट और लेजेंड फनकार इतने मेरे लिए काबिल एहतराम, अल्लाह ताला उन्हें ईमान और तंदुरुस्ती से तथा फरमाए, वो मेरे पास आए और मुझे ये फरमे हैं जो ये मुझे खालिद बट साहब ने लेकर दिया। मैंने कहा था बपार साहब घबराइए कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें करके देता हूँ। जब मैं नई नई दुकान डाली मेरे पास ये जो फरमे थे ये मुझे उन्होंने लेकर दिया खालिद बट साहब, थैंक यू बहुत दुकानी। तो कहता ये है कि सर अब जब आदमी अकेला कमाना वाला हो ना, सर बात ये कि हुनर जो होता है सर, हुनर छोटा हो या बड़ा हुनर होता है। अच्छा जब मैं यहाँ काम करता हूँ कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, वो पास साहब आप मोचियों का काम करें, भाई ये मोचियों का काम नहीं, मैं एज ए डिज़ाइनर हूँ, इंजीनियर हूँ शूज़ का, मुकम्मल डिज़ाइनिंग से लेकर अपर से लेकर बॉटम से लेकर फिनिश से लेकर मुकम्मल मेरे काम सीखा, उसमें 40 साल लगे। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं तो ये कहूँगा कि सरमाए की ज़रूरत है कि मेरे पास सरमाया हो, इस पर मैं तख्लीक नई सी नई करूँ, जिद्दत पैदा करूँ, नई सी नई जिद्दत इस काम को लेकर आऊँ। तो मुझे हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी हेल्प की जाए, मुझे कर्ज दिया जाए इतना कि जिससे मैं कम से कम मैं से छोटी सी फैक्ट्री लगा सकूँ, लोन की शक्ल में मुझे दिया जाए। जब वो ज़िंदगी मेरी रही तो मैं ज़रूर वापस लौटाऊँगा, ना रही तो फिर मैं तो ये माफ़ी चाहूँगा। जो बात है इंसान जब मरने के बाद वही बख्श दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। तो इतने लोगों का हुकूमत के पैसे खा गए हैं और वो रुपये खा गए हैं, तो मेरे छोटे से रुपये मुझे तो थोड़े से पैसे दे देंगे तो मैं आप लोगों का क्या खा दूँगा, मैं तो आप लोगों को दुआएँ दूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी दोबारा करूँगा कि मेरे मुझे इसके लिए पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा, मैं छोटी सी एक फैक्ट्री लगा सकूँ जिससे मैं अपना काम कर सकूँ, अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से कि मेरे कुछ सोचें, मेरे लिए कुछ करें कि मैं अब करना कुछ चाहता हूँ, मैं अपने पाँव में खुद खड़ा होना चाहता हूँ, मैं हाथ फैलाना नहीं चाहता, मैं हाथ ऐसे करना चाहता हूँ। तो ऐसे करने दीजिए और हमें जीने दीजिए, और साथ साथ जो काम होगा फनकारी का वो भी मैं करता रहूँगा, और ये जो काम है पहले इसे करूँगा, जो फनकारी शो वगैरह है फिर उसको करूँगा। तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू।